हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। यानी कि फूड हमें हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, वर्क करने के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। जिस हर वर्क के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए होता है। तो फूड क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है। जैसे कि हम किसी भी बाइक स्कूटर वगैरह में फ्यूल डालते हैं तो उसकी वजह से वो हेल्प करता है, ऐसे हम अपनी बॉडी में डेली फूड, हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम सारे अपने बेसिक जो हमारे प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस, उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। नाउ वी स्टडी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड द ऑर्गेनिज्म विच शो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल ग्रीन प्लांट्स। And some bacteria. And heterotrophs are all animals, including human being. Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism synthesize its own food. It means वो अपना food खुद बनाती है from the simple inorganic substances. Like CO2 and water, and in the presence of sunlight. Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism obtain food prepared by autotrophs and other organic sources.